आपको कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ करना होगा वो हम खुद कर लेंगे। आप सिर्फ 24 घंटे के लिए गफूर बस्ती की तरफ ना तो जाएंगे और ना ही देखेंगे। अरे कितना महीना से तो हर राह देखत रहे, ई और हम हूँ। हाँ, ये लोग पहचान गए हमका। अरे हम जानत रहे, राजा दशरथ अपना वनवास काट के यहाँ ही आए हैं। जाओ अंदर जाके अपना घर में देख लो, तुहार घर तुहार यादें सब सहेज कर। तेरे मुक्के का जवाब मैं दूंगा। आजा। मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तोते उड़ा दूँ। विक्टर मर चुका है कुमार साहब, अब मैं विकी हूँ, जिसका इस शहर में रुतबा है, दौलत है, इज्जत है। कल मैं कॉरपोरेशन का चुनाव जीत सकता हूँ, परसों इस शहर का मेयर। नारंग साहब, हमारा ट्रक बरसों से सामान लेकर आ रहा था, रास्ते में जेके और उसके आदमियों ने ड्राइवर को बुरी तरह से मारा पीटा और हमारा ट्रक और सामान लेकर चले गए। देखा तुमने, 40 लाख का सामान था। बेटवा जानो तो किसका फोन आया रहा? नहीं बाबूजी, तुहार होए वाले ससुर जी का। का कहें ससुर जी? वो कहत रहे कि लंच टाइम पर खाने के लिए आ जा, वीर को साथ में ले आ, सब लोग मिलना चाहते हैं। तो आप का बोले? हम कहे बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन अगर तुम ये दूध नहीं पियोगे हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। ఒక ఆట ఆడతావా? వచ్చింది నీ ఆట కట్టించడానికి. అలాగా ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేయటంలో 17 అగస్ట్ 1950 కో మధ్యప్రదేశ్ కే సత్నా మే జన్మే శరద్ సక్సేనా ని అప్నీ శురువాది పఢాయి సెంట్ జోసెఫ్ కాన్వెంట్ హై స్కూల్ భోపాల్ సే కి. ఉన్హోనే ఇంజనీరింగ్ కి పఢాయి జబల్పూర్ సే సంపూర్ణ కి. శరద్ కో అభినేతా బన్నే కి ఖ్వాయిష్ బచ్పన్ సే హీ థీ. जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म हुई वो एक्टिंग में अपने किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए। एक गैर फिल्मी परिवार से होने के कारण शरद को फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत निर्देशक नरेंद्र बेदी की अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी स्टारर फिल्म बेनाम से साल 1974 में की। यार पर्दे पे जनगण मन चल रहा है जनाब, पिक्चर देखने आ रहे हैं। बड़ी गड़बड़ी हो गई थी यार, तुझे नहीं मालूम? बट मैन, तुम कैसा आदमी है, ये वक्त आने का है क्या? यार तुझे नहीं मालूम, रास्ते में एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बाद में उन्हें सलीम खान के सौजन्य से फिल्म काला पत्थर में धन्ना के रोल मिल गया। दर्शकों ने उन्हें फिल्म काला पत्थर में धन्ना के किरदार पे नोटिस किया। हिंदी, तेलुगू, मलयालम और तमिल में 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके शरद सक्सेना के करियर का उफान अपने समय के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म बॉक्सर के बाद आया। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार मेन विलेन के रूप में काम किए। धीरे धीरे वो बॉलीवुड के सबसे अच्छे सपोर्टिंग एक्टर के रूप में फेमस हो गए। ये चप्पल किसने मारा? चप्पल कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? बड़े पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदारों के चलते अपनी अलग पहचान बना चुके शरद सक्सेना का एक किस्सा हिंदी सिनेमा में काफ़ी चर्चित रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि इसका नाता हिंदी सिनेमा में सबसे कम पैसे देने के लिए चर्चित रहे फिल्म मेकर मुकेश भट्ट से जुड़ा है। बात उस समय की है जब आमिर खान की फिल्म गुलाम शुरू हो गई। इस फिल्म में बॉक्सर की भूमिका के लिए कलाकार की तलाश की जा रही थी। कोई कलाकार इस किरदार के लिए फिट नहीं बैठ रहा था,
किसी ने शरद सक्सेना के नाम का सुझाव दिया। फिल्म के निर्माता मुकेश भट्ट ने शरद सक्सेना की बॉक्सर देखी थी, उन्होंने तुरंत शरद सक्सेना के नाम पर अपनी सहमति जता दी। सुनने में ये आता है कि फिल्म गुलाम के लिए शरद सक्सेना के नाम मुकेश भट्ट को सिफारिश किए थे स्वयं आमिर खान। तू मेरा जिगरा देखना चाहता है ना? आज साले। गुलाम में बॉक्सर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। फिल्म में कलाकार अच्छा होगा तो वो पैसे भी अच्छे ही लेगा, ये सोचकर मुकेश भट्ट ने शरद सक्सेना से पैसे की बात की। दूसरी तरह शरद सक्सेना तो जानते ही थे कि निर्माता मुकेश भट्ट पैसे को लेकर थोड़ा कंजूस है। वो कलाकारों को उनकी मौजूदा बाजार कीमत से हमेशा कम पैसे देते हैं। शरद सक्सेना ने सोचा कि फिल्म अच्छी है तो अगर पूरी फिल्म के 2 लाख रुपए भी मिल गए तो वो फिल्म कर लेंगे। लेकिन उन्होंने अपने पत्ते मुकेश भट्ट से मिलते ही नहीं खोले। मुकेश भट्ट ने शरद सक्सेना को फिल्म की कहानी सुनाई, फिल्म में उनका किरदार को विस्तार से सुनाया और बोले, ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं इस फिल्म के लिए तुम्हें 6 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। शरद सक्सेना ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किया, अपने चेहरे की खुशी दबाई और चुपचाप मुकेश भट्ट के दफ्तर से निकल गए। उम्मीद से 3 गुना ज़्यादा पैसे मिलने की खुशी वो छुपा नहीं पा रहे थे और आखिरकार अपने एक करीबी दोस्त के साथ ये सारी बातें साझा करने के बाद ही उनका मन शांत हुआ। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और उनको पूरी फिल्म के 6 लाख रुपए मिल भी गए। लेकिन इस बात का जिक्र शरद सक्सेना ने फिर कभी किसी से नहीं किया। तू अपनी औकात भूल गया है बच्चे, तुझे मार मार के मैं इस मोहल्ले के सामने तेरी मिसाल बना दूंगा। शरद सक्सेना को फिल्म गुलाम के लिए फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड के लिए नामांकन या नॉमिनेशन मिला था। शरद सक्सेना जिन्होंने पर्दे पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रोल्स किए हैं, उम्र के इस पड़ाव पर भी शरद सक्सेना काफ़ी फिट नज़र आते हैं। वो आज भी 72 साल के उम्र में भी इंडस्ट्री के गबरू जवान लगते हैं। उनके सामने अच्छे अच्छे कलाकार फीके नज़र आते हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनका वो ऑरा, वो रुतबा आज भी कायम है जो कि 70-80 के दशक की फिल्मों में पर्दे पर देखने को मिलता था। उनकी पत्नी का नाम शोभा सक्सेना है। शरद सक्सेना ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री के सितारों से अलग करते हुए कहा कि हम फिल्म उद्योग के एक अलग हिस्से में हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा भाग है जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं है। हम लोग सिर्फ फिल्मों की शूटिंग के दौरान मिलते हैं और जैसे ही शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो हम घर चले आते हैं। हमारा रिश्ता इंडस्ट्री से बस इतना ही है। शरद सक्सेना ने बीआर चोपड़ा के मेगा सीरियल महाभारत में कीचक की भूमिका निभाई थी। शरद सक्सेना के कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का नाम है काला पत्थर, बॉक्सर, गिरफ्तार, घायल, मिस्टर इंडिया और आज का गुंडा राज।